नागता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सिंचाई विभाग मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सिंचाई विभाग मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सिंचाई विभाग मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सिंचाई विभाग मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत भारत प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सिंचाई विभाग मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सिंचाई विभाग मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए सिंचाई विभाग वैसे तो किसानों के लिए बनाया गया कि किसानों के खेत तक पानी पहुंचे, लेकिन इस विभाग में इतना भ्रष्टाचार हो गया, अधिकारी अपने दफ्तरों से बाहर नहीं निकलते हैं, दफ्तरों में ही ठेकेदारों से पैसे लेते हैं और जिले की सभी नहरों की स्थिति खराब है। सरसा जिला की सभी टेलें खाली पड़ी है। किसान जो है जो गेहूं का उत्पादन करता है उसका इतना बुरा हाल है, पिछले 2 सालों से बिजाई नहीं हो रही है सरसा के बहुत बड़े रकबे में, और किसान को गेहूँ और जो तूड़ी है पशुओं के लिए वो खरीद के लानी पड़ रही है। तो जब तक सिरसा जिला की सभी नहरों की टेल नहीं सुधारी जाती, गिगोरानी माइनर जो ये आप देख रहे हैं इसमें कह रहे हैं हमने 6 करोड़ रुपया लगा दिया और पानी ऊपर तक बह रहा है इसमें, इसके पानी के हालात देखिए, 1.5 साल बाद इसमें इतना पानी आया जब हम लोग आंदोलन पर बैठे हैं। तो जब तक सिरसा जिला की सभी टेलों पर पानी पूरा नहीं होता, जो नहरी महकमे में भ्रष्टाचार चल रहा है उस भ्रष्टाचार को खत्म नहीं किया जाता, सरसा जिला की सभी नहरों की सफाई नहीं होती, तब तक ये आंदोलन जल सत्याग्रह आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। इसमें महिलाएं भी पानी के अंदर बैठेंगी, बच्चे भी पानी के अंदर बैठेंगे, ये देश में अपनी तरह का एक अद्भुत आंदोलन होगा।